हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सबको बताना दो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का तो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का तुम्हें लगभग यहां पे बहुत सारे एमसीक्यू बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों बताने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, ये सारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाले कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछे गए हैं, रिपीट भी किए गए और पूछने की संभावना बन रही है। प्लीज ये सारे प्रश्न को देखिएगा, क्या प्रश्न करता क्या इसका आंसर है, सिर्फ इसको देखेंगे और इस प्रश्न को समझेंगे इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो वीडियो सीखना समझना तो अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा और कभी सीखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, इस सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, 1 नंबर क्या बोला जा रहा कि निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? आपका ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड SiC, बी है ग्रेफाइट यानी कार्बन, सी है क्वार्ट्ज कांच SiO2 और डी में क्रोम एलम। तो दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय क्या होता है, जिसको क्या भंगुर हो जाता है, ठीक है, उसका जो नियमित संरचना नहीं होता है। देखें तो क्वार्ट्ज कांच जो होता है दोस्तों इसका एक नियमित संरचना नहीं होता है, ये क्या होगा ना, ये भंगुर हो जाएगा, ठीक है, टूटेगा तो गिरेगा तो टूट के भंगुर हो जाएगा, ठीक है। इसका संरचना क्या होता है, अनियमित होता है और ये सबका नियमित होता है, इसलिए क्वार्ट्ज जो कांच होता है SiO2 जिसे बोलते हैं ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है प्रश्न कि मूल क्रियास्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल रूप से क्रियास्टल तंत्रों की संख्या होती है, ये पूछा जा रहा प्रश्न। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हम लोग क्रियास्टल सिस्टम कितना होता है, 7 होता है, 7 टाइप के ही क्रियास्टल तंत्र होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देते प्रश्न, हम लोग क्या करते हैं थर्ड गियर। तो थर्ड नंबर प्रश्न आता तो क्या कह रहा है कि किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाने वर्तमान रहता है, यानी कि वर्धित दर्शाता है। आपको ऑप्शन है त्रिनताक्ष, बी है ऑर्थोरॉम्बिक, सी है घनाकार, डी है एकनताक्ष। आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए फ्रेंड्स जो घनाकार जो क्रिस्टल तंत्र जो बनता है फ्रेंड्स वहाँ पे देखिएगा तो अल्फा बीटा गामा कौन तीनों एंगल 90 डिग्री होता है, तीनों इक्वल होता है, और वहाँ पे जो ए बरा बी बरा सी जो होता है वो भी सेम होता है, इसलिए क्या होता है ये घनाकार के केस में सिर्फ आता है, जानते हैं ना, 14 तरह का आपका जालक बनता है और 7 तरह का सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, उसी में से ये घनाकार है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा की ओर, क्या बोला रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह पर, देखिए हम लोग पढ़े BCC ECC SCC FCC सब पढ़े ना, तो उसी में से एक BCC होता है बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल उसमें कितना जगह खाली होता है, कितना परसेंट, ठीक है। आपको ऑप्शन है 32%, बी है 34%, सी 28% और डी 30%। तो उसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 32%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब 32% इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि इसके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है, इसके संकुलन क्षमता आता है वो फ्रेंड्स होता है 68%। क्या होता है 68%, तो 100 में से 68 घटाइएगा तो 32 ही बचेगा ना खाली जगह, तो 32% का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोला जा रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, आपको ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी ए घट जाता है, सी ए शून्य हो जाता है और डी एम से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग सब देखिए ठोस में क्या होता है, कुछ प्रकार दोष उत्पन्न होते हैं, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है, ये सब दोष रहते हैं, ठीक है, तो वही दोष में क्या होता है ना, एक शॉर्टकी दोष है, तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, ठोस का घनत्व बढ़ता है घटता है, इसका सही आंसर तो घट जाना। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए शॉर्ट मतलब क्या होता है, शॉर्ट मतलब छोटा करना, नहीं मतलब कि थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दीजिए ना, इस वीडियो को शॉर्ट कर दीजिए या इस कपड़ा को शॉर्ट कर दीजिए, मतलब छोटा कर दीजिए, तो ये छोटा यानी कि घट जाना, तो शॉर्ट के इसमें क्या होता है घनत्व क्या होता है घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या है, 6 नंबर क्या बोला जा रहा है प्रश्न, ये प्रश्न क्या बोला है कि NaCl क्रिस्टल में संरचना होती है, NaCl क्रिस्टल में संरचना होती है। आपका ऑप्शन ये पिंड केंद्रित, बी है फलक केंद्रित, सी है अष्ट फलक और आपका क्या दोस्तों बी में क्या है नन है, ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी जो राइट आंसर, फलक केंद्रित हो जाएगा, ठीक है, फलक केंद्रित हो जाएगा, ठीक है, फेस सेंटर्ड ये कहाँ होता है, NaCl में संरचना होता है, ठीक है, ये भी है याद रखिए, इसको मान लीजिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 6 क्यों, ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बोला क्या कि कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोनों दर्शाता है। देखिए दोष में पढ़ा बताया था ना अभी,
तो फ्रैंकल दो सॉल्ट के दोनों को कौन दर्शाता है, कौन सा कंपाउंड? आपका ऑप्शन ए जी सी एल, बी ए जी बी आर, सी एन ए सी एल और डी में एन ए बी आर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी ए जी बी आर। तो ए जी बी आर सिल्वर जो ब्रोमाइड है ये फ्रेंड्स फ्रैंकल दोष को भी दर्शाता है और शॉर्ट की दोष को भी दर्शाता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आप याद करके जाइएगा, हमेशा बताता हूँ कोई चीज पढ़ के जाइए नहीं पढ़े, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि ए जी बी आर फ्रैंकल दोष शॉर्ट दोनों दर्शाता है, ठीक है। या सवाल को घुमा के बोल देगा, बोला कि ए जी बी आर में कौन सा दोष पाया जाता है, तो फ्रैंकल दोष और शॉर्ट दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आठवां नंबर, क्या बोला जा रहा कि एफ सी सी या एच सी पी या सी सी पी में पैकिंग क्षमता या रिक्ति का प्रतिशत कितना होता है। देखिए पैकिंग क्षमता बताना भी है कि कितना उसमें पूरा पैक किया हुआ है और कितना जगह खाली हुई बताना है प्रतिशत में। तो आपका ऑप्शन है 74-26, बी में 68-32, सी में 70-30। 70 आपका पैकिंग है, 30 खाली है और डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए 74-26। देखिए फ्रेंड्स एफ सी सी जो होता है तो फेस सेंटर्ड सेल फलक केंद्रित एकल कोष्ठिका, उसमें दोस्तों 74% क्या होता है उसका संकुलन क्षमता होता है। तो 74 जब संकुलन क्षमता है तो रिक्ति कितना हो जाएगा, खाली जगह कितना हो जाएगा, 100 माने 74 यानी कि 26%, ठीक है, दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा नौवां नंबर, क्या बोला जा रहा है कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन है सरल घन इकाई सेल, बी में फलक केंद्रित सेल, सी में पिंड केंद्रित सेल और डी में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बता दूँ दोस्तों कि जो सबसे जो सीमित पैकिंग मैक्सिमम होता है ना, वो जो मैंने अभी बताया था एफ सी सी में फेस सेंटर्ड सेल, ठीक है, फलक केंद्रित सेल में एफ सी सी में 74% इसमें होता है, ठीक है, इसे 74% होता है, एक में 68 होता है, ठीक है, और एक में कितना होता है, एक में 74 होता है और एक में 68 होता है, ठीक है, और एक में 52.8 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 12th में आप यहाँ में सवाल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं बता दूँ 12th का जो केमिस्ट्री आराम से पढ़िएगा क्योंकि बहुत हार्ड है, बहुत आपको दिक्कत कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दसवां की ओर। ये क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन सी गोलों की षटकोणीय निविड़ संकुलित व्यवस्था का वर्णित करता है, इसमें कौन जो है ये गोलों की षटकोणीय निविड़ संकुलित व्यवस्था को वर्णित करता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए बी सी ए बी ए, बी में ए बी सी ए बी सी, बी में ए बी ए बी ए और डी में ए बी बी ए बी बी। तो इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछ दिया सवाल है और ये दो दो बार पूछा गया। देखिए आप कोई भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव हो, आप बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चंडीगढ़ बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, वहाँ पे एनसीईआरटी बुक चलता है, यदि वहाँ पे ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज ये क्वेश्चन को देखिए आपके लिए, ठीक है, कोई अलग से नहीं है आपके लिए, आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। एक क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। आपका ऑप्शन है C3Cl, बी में CH2Cl2 और सी में CH3Cl, कार्बन ट्राइक्लोराइड और ये में क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। CHCl3 का तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, याद रखिएगा, और इसका तो फिर जीरो हो जाता है, इसका जीरो होता है, याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा होता है, इसका जीरो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। आपका ऑप्शन है डी बराबर एम बाई एन नॉट, एन नॉट पता क्या दोस्तों, एन नॉट तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है और ये फ्रेंड्स क्या आपका वहाँ पे एकक कोर की लंबाई है। जो आप पढ़ते हैं ना क्रिस्टलीय ठोस में एकक कोर होता है, जालक जो होता है ना वहाँ पे जो जो अधिक बिंदु पे क्या होता है गोला होता है जो परमाणु आयन को डिनोट करता है, तो वही होता है एकक कोर होता है, उसका लेंथ जो होता है बीच वाला। तो ये एक कोर की लंबाई, एम क्या दोस्तों आपका द्रव्यमान है, ठीक है, मोलिटी सॉरी द्रव्यमान होगा यहाँ पे ना, डी बराबर डी बराबर एम एन बटा एन नॉट ए क्यू, डी बराबर एम बाई ए क्यू और डी बराबर वन बाई एन नॉट ए क्यू। तो इसका सही आंसर आपको बताना, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डी में तो क्या घनत्व, याद रखिएगा डी क्या आपका घनत्व है, आपको जब घनत्व निकालना रहेगा एक कोष्ठिका का घनत्व तो इसी फॉर्मूला से निकालिएगा, एम एन बटा एन नॉट, एन क्या दोस्तों आपका कणों की संख्या है, ठीक है, कणों की संख्या है और एम क्या आपका दोस्तों एम मोलर मोलर द्रव्यमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर। ये क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है, निम्न में किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है। समन्वय दोस्तों या उपसा संयोजन बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन 8 होता है। आपका ऑप्शन है पोटासियम, बी में Fe लोहा, सी में Zn जिंक, डी में Au ऑरम चांदी सॉरी सोना। तो आपका ऑप्शन इज राइट आंसर पोटासियम।
पोटासियम में दोस्तों क्या होता है, समन्वय संख्या 8 होता है। ये फ्रेंड्स आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कहीं से आपको ट्रिक नहीं होता, आपको याद करना पड़ेगा कि पोटासियम में 8 होता है, कितना किसमें 6 होता है, सोडियम का कितना 6 होता है, सबका याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न 14 नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। क्रिस्टल तो बहुत सारा होता है, आयनिक होता है, आपका नेटवर्क होता है, सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक है, आण्विक होता है, तो वही आयनिक है। तो आयनिक भाई कौन होता है, आपका ऑप्शन है Na2SO4 BC में, और DC में ग्रेफाइट, और D में P4O10, ठीक है, फास्फोरस टेट्रा P4O10 है, ठीक है, ये आपका इसका नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट इसका नाम एक मुझे पता था, तो इसका तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, Na2SO4। अब आयनिक ठोस Na2SO4 क्यों हुआ, आयनिक होता आयन, तो Na2SO4 को देखिएगा दोस्तों, तो ये आपका Na प्लस में और SO4 -2 में रहता है, यानी कि ये आयन के रूप में रहता है, इसलिए क्या हो गया ग्रेफाइट, सॉरी Na2SO4 क्या होगा, आयनिक ठोस का उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15वां नंबर, ये क्या है, आयनिक ठोस निम्न में कौन है, आयनिक ठोस निम्न में कौन है, तो आपको ऑप्शन है बर्फ, बी में NaCl, सी में धातु या मिश्र धातु, डी में सभी। तो ये प्रश्न देख के आप बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, ऑप्शन डी मार देंगे सभी, बट यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, आयनिक मतलब क्या होता है, आयन के रूप में रहे, पॉजिटिव और निगेटिव ग्रुप में, तो बर्फ H2 रहता नहीं है, NaCl तो है नहीं, ये आयन के रूप में रहता है, तो NaCl जो गया नमक, ये आयनिक ठोस हो गया, धातु कभी आयन धातु रहेगा ही नहीं, और मिश्र धातु भी नहीं रहेगा, तो NaCl जो होता है वो तो क्या है, आयनिक ठोस है, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर, ये क्या प्रश्न बोल रहा था कि हीरा है नेटवर्क ठोस, बी में आयनिक ठोस, सी में आण्विक ठोस, डी में नन। तो मैंने दोस्तों बताया था हीरा जो है दोस्तों नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, या दोस्तों इसी को कौन नाम है दोस्तों, सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है, ये नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17 नंबर, FCC एक चालक में कितने परमाणु होते हैं, FCC एक चालक में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे जालक होना चाहिए तो लग रहा है मुझे, ऑप्शन ए 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। FCC में कितना होता है, 4 होता है, याद रखिएगा, FCC में दोस्तों 4 होता है, बताता हूँ, ठीक है, FCC में कितना होता है, 4 होता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग 18 प्रश्न को पढ़ते, क्या कर रहे हैं, देखिए NaCl में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है, NaCl में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है, आपका ऑप्शन है 6, 6, 4, 8, 4, 4, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। मैंने बताया था कि NaCl में क्या होता है, Na में 6 होता है, क्लोरीन का भी 6 होता है, तो NaCl का कितना हो जाएगा, 6, 6 हो जाएगा समन्वय संख्या, ये क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगला है 19वां नंबर, ये क्या प्रश्न बोल रहा है कि सहसंयोजी ठोस निम्न में कौन है, देखिए सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क से बात बराबर है, तो आपका ऑप्शन है NaCl KNO3, बी में घिरा और ग्रेफाइट, सी में बर्फ और NaCl, और डी में सिलिका और क्वार्ट्ज, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए अब ये क्यों हो पता, देखिए हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है ना, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसके कारण ये क्या होता है ना आपका सहसंयोजी ठोस होता है, और NaCl KNO3 तो ये आपका आयनिक ठोस है, ठीक है, ये आयनिक ठोस है, और सिलिका और क्वार्ट्ज तो क्या है आपका, ये अक्रिस्टलीय है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि शीशा है, शीशा जो होता है ग्लास फ्रेंड्स, वो क्या है, आपका ऑप्शन है माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस, बी में अतिशीत द्रव, अतिशीत मतलब तो क्या होता है सुपर कोल्डेड ये लिक्विड होता है, ये क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन है बी, सी में जेल, डी में कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो शीशा दोस्तों होता है ना वो क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है, इसको हमें बहुत ठंडा करके एक द्रव में सॉलिड में ला सकते हैं, और गर्म करके हम लोग इसको लिक्विड में ला सकते हैं, ये होता है अतिशीतित द्रव होता है, सुपर कोल्डेड लिक्विड होता है, कौन होता है, शीशा होता है, ग्लास होता है, कांच होता है। अगला देखिए अगला प्रश्न 21वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, BCC में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, आपका ऑप्शन है 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1, तो इसका क्या जाएगा 2 हो जाएगा, 2 BCC में दोस्तों क्या रहता है, 2 रहता है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे रहता है, एक अपोजिट रहता है, आमने सामने रहता है, एक इस साइड तो एक उस साइड, 2 ही इसमें रहता है BCC में। अगला दोस्तों हमारा 22वां नंबर,
सी एस सी एल क्रिस्टल कैसे संरचना होती है, सी एस सी एल सीजियम क्लोराइड कैसी क्रिस्टल संरचना होती है। तो आपका ऑप्शन है बी सी सी, बी में ए सी सी, सी में एफ सी सी, डी में से कोई नहीं। तो फिर जो सीजियम क्लोराइड जो होता है, जो फिर सीजियम जो क्लोराइड होता है ना, वो दोस्तों आपका होता है दोस्तों आपका बी सी सी संरचना का होता है। कैसा होता है? बी सी सी जैसा होता है, ठीक है। कैसा? बी सी सी बॉडी सेंटर सेल होता है। अगला है 23वां नंबर, एचसीपी संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन होता है। देखिए मैंने बताया था कि एचसीपी, सॉरी पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 0.68 है, 0.74 है, 0.50 है, 0.54 है। देखिए एचसीपी, एफसीसी और सीसीपी तीनों का सेम होता है ना, तो इसका 0.74 हो जाएगा 23वां का, 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन। यदि परसेंटेज में रहेगा तो 74%, यदि आपको इसमें रिक्ति की पूछेगा, आपको इसमें क्या बोला जाए, खाली जगह फिलिंग आपका स्पेस का पूछेगा, तो 74 घटा देगा तो आपका 26 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न को देखते हैं। 24वां नंबर, क्या बोला जा रहा है कि जी यानी कि जर्मेनियम में ग्रुप 13 के तत्व को मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर है, यानी कि इसमें यदि ग्रुप 13 के तत्व को मिला देंगे, ठीक है ना, बोरॉन फैमिली वाला को, तो कैसा मिलेगा मुझे, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा है एन टाइप, पी टाइप की एनपीएन टाइप कि पीएनपी टाइप, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पी टाइप मिलता है। कैसा मिलता है? पी टाइप मिलता है। कैसा मिलता है? पी टाइप संरचना मिलता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। ग्रुप 13 को मिलाएंगे ना, जब बोरॉन फैमिली, बोरॉन एल्युमिनियम सिलिकन होता ना, जर्मेनियम इसे होता ना। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आगे 25वां नंबर प्रश्न को क्या कहता है। देखिए ये प्रश्न क्या बोला जाए 25वां नंबर कि प्रति लौह चुंबकीय ऑक्साइड होते हैं, प्रति लौह चुंबकीय ऑक्साइड होते हैं MnO2, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, बी में BO2 वैनेडियम ऑक्साइड और डी में Cl2 क्रोमियम ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही हो सकता, क्रोमियम ऑक्साइड। जो फ्रेंड्स क्रोमियम ऑक्साइड होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। और MnO2 क्या होता है, फेरो ऑक्साइड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अब लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए फिर से लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहा 26 नंबर क्या प्रश्न बोला कि क्रिस्टल जालक की संख्या कितनी। देखिए इसके तो पहले जो मैं देखा था प्रश्न, वो क्रिस्टल तंत्र था, वो क्रिस्टल सिस्टम था, बट यहाँ फिर क्रिस्टल जालक पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन है 20, बी में 14, सी में 220, डी में 13। तो आपका ऑप्शन बी जा रहा है 14, याद रखिएगा। जो क्रिस्टल तो जालक होता है, वो ब्रेवी जालक इसको बोलते हैं, वो फ्रेंड्स उसका नंबर 14 होता है, बट वही क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो उसका नंबर 7 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिस्टल जालक कितना होता है, 14 होता है, क्रिस्टल कितना होता है, 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर, NaCl में क्लोरीन का समूह संख्या होता है 8, 6, 4, 3। तो आपका ऑप्शन बी जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स NaCl में जो क्लोरीन का दोस्तों समूह संख्या 6 होता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे Na का भी दोस्तों 6 ही होता है, याद रखिएगा, Na का भी 6 होता है, और पोटासियम का दोस्तों कितना होता है, 8 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, पूछने लायक, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति होती है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति होती है। आपका ऑप्शन है ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक तो पी टाइप के लिए है और धनात्मक आपका एन टाइप के लिए है। उसी प्रकार से धनात्मक ऋणात्मक, सी में उदासीन यानी कि दोनों उदासीन हो जाएगा, और डी में कोई नहीं। तो इसका तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए पी टाइप और एन टाइप है, तो इसका तो आपको उदासीन हो जाएगा, सॉरी ठीक है, उदासीन हो जाएगा। इसका जो प्रकृति का तो उदासीन होता है, अर्धचालक का जो प्रकृति तो उदासीन हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां नंबर, क्या प्रश्न बोल रहा कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है, ताप इंक्रीज करने के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ किसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में कमी होती है, सुचालक की कि अर्धचालक की कि अचालक की कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए जा रहा है, सुचालक, सुचालक या सिंपल चालक भी बोल सकते हैं। उसका दोस्तों यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा दोस्तों, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा ना, तो उसका जो कंडक्टिविटी जो होता है ना, कंडक्टिविटी, वो फ्रेंड्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वां नंबर, ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकट होते हैं, फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। आपका ऑप्शन है नाभिकीय दोष, बी में क्रिस्टल दोष, सी में परमाणु दोष और डी में आपका अणु दोष। तो इसका ऑप्शन बी जो राइट है, क्रिस्टल दोष। मैंने बताया था ये सारा दोष कहाँ देखा जाता है, क्रिस्टल ठोस में, है ना,
हम लोग ठोस अवस्था में क्या पढ़े, क्रिस्टल पढ़े, अक्रिस्टल पढ़े, ठीक है। तो ये सब दोष कहाँ मिल रहा है, क्रिस्टल में मिल रहा है ना, तो ये क्रिस्टल दोष हो गया, ठीक है, डिफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 31वां नंबर की ओर। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या होता है, पारामैग्नेटिक, ठीक है, अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक। आपका है CO2 प्लस Ni2 प्लस CO2 प्लस Zn2 प्लस। तो इसका सही आंसर फिर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर, CO2 प्लस। ये दोस्तों कॉपर का जो तो ये आयन है ना, ये क्या दोस्तों आपका, ये अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय क्या होता है पता है, पता क्या होता है, जब दोस्तों आपका अंतिम कक्षा में जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन बच जाए, अयुग्म इलेक्ट्रॉन जब बच जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, संक्रमण धातु या जो आयन होगा वो अनुचुंबकीय होता है, लेकिन नहीं बचता तो वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। और ये क्या अनुचुंबकीय, ये क्या पारामैग्नेटिक है, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। अगला 32 नंबर कि BaSO4 की जल में घुलनशीलता का उदाहरण है, बैरियम सल्फेट की जल में घुलनशीलता का उदाहरण है, उच्च जालक ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, सी में निम्न ऊर्जा और डी में जालक ऊर्जा। तो इसका आपका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ये वाला राइट ऑप्शन सी। देखिए निम्न जालक ऊर्जा के कारण ही ना बैरियम सल्फेट जल में घुल जाता है और घुलनशीलता इसका भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये बैरियम सल्फेट का किसके कारण, निम्न जालक ऊर्जा के कारण, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा जो संभव था, मैंने 31 प्रश्नों को लिया था, 32 प्रश्नों को, इसका दोस्तों मैं पार्ट टू भी लाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप पार्ट वन को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि तभी पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। इसलिए पार्ट वन में वीडियो था तो जितना ही पढ़ते, तो एमसीक्यू मेरे तरफ से था, मैं एनसीईआरटी बुक से निकाला, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ याद करिए ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही, आज के वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए ना, हेल्पफुल था ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो देर किस बात की, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि ऐसे मतलब वीडियो ऑप्शन पर पहुँचते रहें, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो को सब रूबरू रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।